तो 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था, सुनामी इंडियन ओशन में आई थी, जिसने सारे के सारे जो कोस्टल एरियाज़ थे, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एक्सेट्रा, इन सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था लाइफ को और प्रॉपर्टी को। अब हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं था। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चीज़ है ना, ये आपको मेंस में आ सकता है और एक प्रीलिम्स में कीवर्ड आ सकता है कि मेजरली अर्थक्वेक्स इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया के अंदर भी आ सकता है, लेकिन वो इंडियन ज्योग्राफी में आपको समझ में आएगा, पहले वर्ल्ड का सीख लो। जो वर्ल्ड में अर्थक्वेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो जनरली कंसाइड करती है, मतलब अर्थक्वेक्स उन्हीं उन्हीं जगह पर आते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में यही चीज़ खत्म करी थी, जो रीजन्स या जो एरियाज वॉल्केनोज के पास हैं। जिन रीजन्स में बहुत ज़्यादा सीस्मिसिटी होती है, इस लाइन का क्या मतलब है कशिश? जिन रीजन्स में ज़्यादा सीस्मिसिटी होती है, सीस्मिसिटी ज़्यादा होती है, तो इससे इससे क्या हमें मतलब मिलता है, बताओ। दिवजोत, इस लाइन का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है? ज़्यादा प्रोन, हाँ, लेकिन हाँ, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप ये कहोगे सीस्मिसिटी का मतलब सीस्मिक एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सीस्मिक एनर्जी कैसे, यहाँ पर मतलब अच्छे खासे रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आते हैं उन रीजन में, फ्रीक्वेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन रीजन्स में ज़्यादा है, मैंने बताया, जहाँ पर वोल्केनोज आते हैं। सीस्मिसिटी का मैंने आपको मतलब बताया, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लो, मैंने ऊपर बताया सीस्मिसिटी का मतलब, ये मेंस में आ सकता है, आशमा क्वेश्चन मैंने इन लोग को ये बताया। तो ये रीजन्स जहाँ पर ज़्यादा सीस्मिसिटी होती है, दे आर सरकम पैसिफिक एरिया। सरकम पैसिफिक एरिया का मतलब ये होता है, सरकम फ्रेंस क्या होती है, इस एक तरीके से ऐसे बनाते हैं ना लोग सर्कल की, सरकम फ्रेंस। तो पैसिफिक ओशन जहाँ पर है ना, मतलब ये है मान लो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के कुल मिलाकर जैसे ऐसा एरिया, ये वाला जो मैंने ऊपर बनाई है, मतलब एक कहने का तरीका है, ठीक है। सरकम पैसिफिक एरियाज, वहां पर ज्यादातर दुनिया के अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर है, और मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरेंस जिन रीजन्स में होते हैं जो सरकम पैसिफिक एरिया है, उसका नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग का मतलब भी वही है, सरकम फ्रेंस, सरकम पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन, फायर का मतलब इसको क्यों बोला जाता है, यहाँ पर वॉल्केनोज आते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्चुअली, याद रखना आप तीनों, ये वॉल्केनिक रीजन्स को डिनोट करता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी चेन है वॉल्केनिक आइलैंड्स की, वॉल्केनिक माउंटेन्स की। लेकिन हमें अभी क्या ऊपर रूल पड़ा, हमारी ज्योग्राफी का थंब रूल ये कहता है कि जिन रीजन्स में ज्वालामुखी के घटनाएं होती हैं, वॉल्केनिक इवेंट्स होते हैं, उन रीजन्स में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप हो गई होगा, ठीक है। तो इट इज़ सेड दैट अबाउट 68% जो अर्थक्वेक होते हैं वो इसी बेल्ट में होते हैं। अनदर 31% ऑफ अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस कहाँ पर, एशिया के अंदर मेडिटेरेनियन एंड हिमालयन बेल्ट में, ठीक है। और वो कुछ रीजन्स हैं लाइक एशिया मिनोर, हिमालयास, और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। कुल मिलाकर आप एशिया याद रख लो सिर्फ, अभी ये आपको जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ेगी आराम से ये दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी। हिमालयास को तो आप इमेजिन कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट चाइना को आप इमेजिन कर सकते हो, एशिया माइनर वैसे लिखा हुआ है लेकिन इसको एशिया मिनोर बोलते हैं। एशिया मिनोर का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ अ एंशियंट टर्म जो कि यूज़ होती थी। क्या होता है आज के टाइम में एशिया मिनोर का हिस्सा, मैं अभी आपको गूगल से दिखाता हूँ, रुको। वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट है ना वो एशिया मिनोर है, ठीक है। आज के टाइम में इसको हम लोग कहते हैं एनेटोलिया पेनिनसुला, ये एनेटोलिया प्लेट्यू भी आप इसको कह सकते हो। कहाँ पर देखने को मिलता है ये आज के टाइम में आपको, मॉडर्न डे टर्की के अंदर, जो टर्की कंट्री है ना वहाँ पर, उस रीजन के आसपास का जो एरिया, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये देख रहे हो दिवजोत कशिश आशिमा, यूरोप, एशिया, इनको जो कनेक्ट कर रहा है ना बीच में, ये एंशंट टाइम में लैंड कहा जाता था पहले, पूरा का पूरा एशिया मिनोर, आज के टाइम में टर्की का रीजन है, समझ गए, समझ गए। और यहीं पर आइए, देख रहे हो मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, इसलिए इसको वहां पर ये वाले टर्म लिखा हुआ था। ये देखो एशिया मिनोर, हिमालयास, नॉर्थ वेस्ट चाइना, और इसको बोला क्या जाता है मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, ये कि वो मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ रहा,
मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट कैसे, ये एशिया का रीजन है जो पूरा का पूरा है। बस जो रीजन्स बच गए हैं द रिमेनिंग परसेंट ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर्ड इन नॉर्दर्न अफ्रीका, रिफ्ट वैली एरियाज जो हैं रेड सी के और डेड सी के पास, वो चीज़ ठीक है। डेड सी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, यहाँ पर कोई पर्सन डूब नहीं सकता बिना उसके भी, अगर आपने लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहन रखी, ये डूब नहीं सकता कोई भी पर्सन यहाँ पर। क्यों? चलो गूगल क्रोम पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ना सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है इस समुद्र के अंदर, ऐसे ऐसे नमक के गट्ठे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा है सॉल्ट होने की वजह से, सॉल्ट डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कोई भी पर्सन डूब नहीं सकता कभी भी, आप आराम से यहाँ पर तैरोगे। इवन सम एरियाज इन दिस सी आर समवॉट लाइक कि आप वहाँ पर चल सकते हो उसके ऊपर, पानी के ऊपर हल्का हल्का, ठीक है। तो इस सी में कभी कोई डूब नहीं सकता ये बोला जाता है, ठीक है। एंड आप मुझे लोकेशन बताओगे ये सी है कहाँ पर, और ये कुल मिलाकर काफ़ी सुंदर रीजन दिखता है, लेकिन सॉल्ट कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, जो इसमें स्विमिंग करके या डिप कर कर आते हैं उनको फिर आगे नहाना पड़ता है, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा है और खारा होता है काफ़ी ज़्यादा ये वाला पानी, ठीक है। तो नमक जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है इससे, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, अब ध्यान से सुनो, इन इंडिया जो हिमालयन रीजन है हमारा और जो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली है, ठीक है, हिमालयन रीजन और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। आशिमा मुझे ज़रा इसका रीज़न बताओ कि ये हिमालयन रीजन में क्यों आते हैं अर्थक्वेक, सिर्फ हिमालयन रीजन का अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपसे मांगूँ तो यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों? बताओ। ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब हमेशा के मतलब प्लेट्स के कन्वर्ज होने की वजह से अर्थक्वेक आए और भी रीजंस हो सकते हैं। पहाड़ों पे तो कोई मेरे ख्याल से कोई प्लेट कन्वर्ज नहीं करती है ना, मतलब हमेशा तो नहीं हो सकता ऐसा, कोई और रीजन दिवजोत कशिश? वो तो बन रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बहुत 1 मिलीमीटर पर हाइट है ऐसा साल में। हाँ, ठीक है, चलो ठीक, अच्छा ठीक है। लेकिन सिंपल सा अगर मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ पर अर्थक्वेक्स आने का रीज़न ये होता है, बड़ी सारी लैंडस्लाइड्स भी तो होती हैं, आफ्टर इफेक्ट भी बोल सकते हो और उसे कॉजेज भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? प्लेट वाला रीजन ठीक है हमेशा, लेकिन प्लेट की वजह से जैसे ऐसा हो ज़रूरी तो नहीं। हिमालयन रीजन जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स की वजह से, और कभी कभार पता है आपको एक बात बताता हूँ, मैन मेड कॉज की वजह से भी अर्थक्वेक जैसे आता है। क्या होता है कि कशिश वहाँ पर ना माइंस है बड़ी सारी हिमालयन रीजन्स में, तो बॉम्ब लगा लगा के क्या करा जाता है उन माइंस को करा जाता है बॉम्ब लगा लगा के ब्लास्ट। जैसे मतलब कोई भी मतलब मान लो कि बॉम्ब लगाए वहाँ पर और उन माइंस को कर दिया ब्लास्ट, उसकी वजह से हो जाती है लैंडस्लाइड्स और अल्टीमेट रिजल्ट अर्थक्वेक। ये भी है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में दिवजोत, वो रीजन ज़्यादा अच्छे से काम करता है प्लेट्स वाला, समझ गए? दीज रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक। प्लेट्स वाला रीजन हर जगह ही काम करता है वैसे तो, यही मतलब रीजन भी यही होता है, और जहाँ पर प्लेट्स कन्वर्ज करें वो रीजन्स उनमें अर्थक्वेक की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई अमाउंट में होती है। लेकिन फिर भी हिमालयन रीजन्स में हमारे क्या काम करता है, ये तो एक बहुत छोटा सा एंगल हमने डिस्कस करा दिवजोत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन मेंस में आता है तो हम इसे देखेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आएंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैव बीन एक्सपीरियंस इन दिस रीजन, यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम वर के एक बारी बहुत सीवियर और ड्रास्टिक अर्थक्वेक यहाँ पर आ चुका है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। 1991 की एक घटना थी उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद 1999 में चामोली में आया था डेकन प्लेट्यू, ठीक है।
डेकन प्लेट्यू विच वॉज सपोज टू बी कंपेरेटिवली फ्री फ्रॉम डेंजर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, जहाँ पर अर्थक्वेक ऐसा देखा जाता था कि नहीं आते यहाँ पर, ठीक है, पास्ट में दो सीवियर अर्थक्वेक वहाँ पर भी आए थे। नाम याद रखना, आ सकता है पेपर के अंदर कोयना अर्थक्वेक, क्योंकि नाम ऐसा है आशमा, हम नहीं बता पाएंगे, है ना, कि कोयना इंडिया से नहीं लग रहा रिलेटेड वैसे, है ना, तो हमें यही लगेगा शायद से अफ्रीका में होगा या जापान का कोई होगा इस तरीके से। और लातूर अर्थक्वेक, ठीक है, लातूर अर्थक्वेक, ये दोनों हमारे इंडिया के अर्थक्वेक हैं। कब हुए थे ये आपको ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू में दो आए थे, इसका मतलब सदर्न रीजन्स की बात हो रही होगी यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताओगे अगली क्लास में, एक तो आपके लिए वो वाला है कि डेड सी कौन सी कंट्री में है, और आप ये मुझे बताओगे कि लातूर अर्थक्वेक कौन सी स्टेट में आया था और कोयना अर्थक्वेक कौन सी स्टेट में आया था, ठीक है आशिमा, दिवजोत कशिश, ये याद से होमवर्क आपको करना है, ठीक है, स्टेट मुझे बताओगे आप। फिर बात करते हैं वॉल्केनो की वजह से, अगर अर्थक्वेक आते तो वॉल्केनो को जान लेते हैं, और ये वाले हमने कर भी रखा है टॉपिक वैसे एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छे से। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक वेंट होती है या एक ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट के अंदर, कोई भी एक छेद जहाँ से गरम गरम मैग्मा बहुत डीप अंदर से अर्थ के निकला चला आता है, और सरफेस पे आने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है कशिश, मैग्मा अगर अंदर से आ रहा है सरफेस पे आने के बाद उसका नाम क्या, लावा, ठीक है। तो कशिश अगर मैं ये बोलूँ कि लावा मैग्मा में एस सच कोई डिफरेंस होता है टर्मिनोलॉजी के अलावा, नहीं होता ना, बस एक अंदर का इवेंट है एक बाहर का इवेंट है, यही फ़र्क है ना बस, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि लावा ज़्यादा गर्म मैग्मा कम गर्म, या फिर है ना कि लावा कहीं और से आता है मैग्मा कहीं और से आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये चीज़ ये आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरे साथ जो तैयारी करके एग्ज़ाम भी निकाल चुके हैं ना, उनको भी ये वाली डिफरेंस आज भी कन्फ्यूजन होती है जानने में। जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग इज़ यूजली इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, जो ओपनिंग होती है वो जनरली सर्कुलर फॉर्म में होती है, जैसे आप ये ओपनिंग इसको कह सकते हो क्रिएटर को, ये जनरली सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं वो आते हैं लंबे लंबे क्रैक्स और फिशर्स, मतलब एक ही तरीके से क्रैक कह लो फिशर कह लो, जहाँ से गरम गरम भाप और अदर मटेरियल, अदर मटेरियल क्या, कार्बन निकलता है, सूट निकलता है, गैसेस निकलती हैं बड़ी सारी, लावा बॉम्ब्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, एशेस निकलते हैं और लावा निकलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये वाला डायग्राम बहुत सिस्टमैटिक है, वैसे तो हमने एनसीईआरटी में कवर कर ही लिया था, लेकिन सिर्फ एक बार हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसको देख लेते हैं। अंदर होता है मैग्मा चेंबर, जहाँ पर सारा का सारा मैग्मा हॉट विस्कस मोल्टन फॉर्म में मैग्मा स्टोर्ड है, क्योंकि वो इंटरनल अंदरूनी पार्ट है, इसलिए उसका नाम है मेंबर, सॉरी मैग्मा। फिर यहाँ पर होती है लेयर, रॉक की लेयर्स जो कि अर्थ की क्रस्ट पे होती है, ये यहाँ पर इसको मैग्मा उछल रहा है, अर्थ की क्रस्ट को पिघला रहा है, और आपने देखा ही था ना वो वाली लेयर, याद है ना सबको दिवजोत, एस्थीनोस्फीयर नाम याद है ना, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से वो मैग्मा निकलने की कोशिश करता है, जगह ढूंढता है, अलग अलग जगहों से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल सीधा होकर निकलता है उस पॉइंट को कहते हैं क्रेटर, जहाँ से वो बाहर निकलता है, साइड में जहाँ से वो निकलता है उसको कहते हैं साइड वेंट, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से निकल नहीं पाया इस वाली साइड से, वरना यहाँ पर भी साइड वेंट बनती। जब वो बाहर आता है तब वो मुझसे कहते हैं लावा, और जो बह रहा होता है वो लावा फ्लो, ठीक है। सबसे ऊपर का पार्ट मैंने आपको बता दिया क्रेटर, और वेंट तो हर जगह है ही, मतलब जहाँ जहाँ से वो बाहर आने का छेद बना ले उसको वेंट कहते हैं। ऊपर से क्या क्या निकलता है, ऐश क्लाउड बनते हैं जो कि कार्बन सूट के काले काले धुएं वाले बादल होते हैं, और उसके बाद ऐश फॉल होती है, या फिर आप इसे लावा बॉम्ब्स भी कह सकते हो, जिसके अंदर बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ पर वैसे स्टीम्स भी होती है, मतलब इसके साथ साथ गैसेस वगैरह भाप वगैरह निकलती है, ठीक है, ये चीज़। अब जो भी चीज़ लिक्विडी फॉर्मेट के अंदर है तो उसमें से भाप तो निकलेगी ना, विस्कस मैनर में तो क्यों कशिश रहेगा ना, वो वाली चीज़ तो, कोई भी चीज़ अगर गाड़ी है तो क्या हुआ, उसके अंदर लिक्विड तो कंटेंट है ना, तो अगर उसको गर्म करेंगे तो भाप नहीं निकलेगी क्या, बिल्कुल निकलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार ही टर्म्स को देख लेते हैं सारी सारी, जो कि हमें पता है, सिर्फ रिवीजन के लिए देख लेते हैं। मोल्टन रॉक मटेरियल जो कि अर्थ के अंदर होता है, जब वो गैसेस के साथ प्रेजेंट होता है तब हम उसे नाम देते हैं मैग्मा, जब वो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तब हम उसे नाम देते हैं लावा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लावा और जो दूसरे मटेरियल हैं दे फ्लो आउट ऑफ वॉल्केनो, वो एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, और अर्थ और जहाँ से वो वेंट से बाहर निकले होते हैं ना, जहाँ उनकी ओपनिंग होती है वहाँ आगे जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक
चीज सीखी थी आशिमा, याद है कि जब जैसे ही मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आके लावा बनता है, एयर के कांटेक्ट में आती है, वो ठंडा होने लग जाता है ना, और वो पथरीला बनने लग जाता है ना, याद है आशिमा ये वाली चीज़। तो वो अर्थ की ओपनिंग के पास, अलग अलग बैंड के पास, वो इकट्ठा होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है, पथरीला बनने लग जाता है, और वो एक प्रकार का कोनिकल हिल बना लेता है या माउंटेन बना लेता है। अब ये माउंटेन और कोनिकल हिल ऐसा मत समझना है जिसमें पहाड़ है, मतलब एक कहने का तरीका है कि यहाँ से देखो जैसे वो बाहर निकला और यहाँ पर आके एक तरीके से जमा हो गया इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए पर जमा हो गया, पॉइंट बी पर जमा हो गया, पॉइंट सी पर जमा हो गया, ऐसे आके, तो वो एक छोटा सा कोनिकल हिल और माउंटेन टाइप बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वेंट, जो कि एक वॉल्केनो की हम लोग कह सकते हैं वो ओपनिंग है या उसका माउथ है। टॉप जो होता है इस कोन का, वहाँ पर एक फनल शेप डिप्रेशन होती है। फनल शेप डिप्रेशन मतलब कैसी, मैंने अभी आपको बताया कि मैग्मा, ये है मैग्मा चेम्बर, जब ये कहीं से भी आसपास से निकल रहा है वो तो वेंट है, लेकिन जब ये बिल्कुल सीधा होकर निकल रहा है तो ये हुआ ना कोनिकल वेंट। तो ये एक प्रकार से कुछ ही ऐसा ऐसा कोन ऐसे ही होता है ना, पेट्रोल डालने का आपने वो देखा होगा, दिव्योत कशिश, जहाँ से पेट्रोल कुछ इस तरीके से डालते हैं, है ना, एक ऐसी वो वेंट टाइप ये होती है, ये देखा होगा ना ये साइंस में फनल टाइप, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर ही ऐसा फनल टाइप ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ से जब वो बनता है तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं क्रेटर। टॉप का जो हिस्सा होता है वो होता है क्रेटर, यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ गया ये ऊपर, ये रहा क्रेटर आपका, ये वाला हिस्सा, ठीक है। जो टॉप होता है इस कोन का, फनल शेप डिप्रेशन का, उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। अगर क्रेटर वॉल्केनो का बहुत अच्छे खासे साइज का बड़ा है, ठीक है, एंड उसकी जो शेप है वो एक बेसिन की तरह है, बेसिन इन द सेंस प्रॉपर ऐसी शेप बन रही है उसकी, मतलब ये आधा चांद टाइप, तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्डेरा। कैल्डेरा कोई नहीं होता कशिश, बस दिवजोत आशिमा, कैल्डेरा अगर आपसे कोई पूछे कैल्डेरा और क्रेटर में फ़र्क क्या होता है, क्रेटर का बाप होता है कैल्डेरा साइज में, ठीक है। कैल्डेरास जनरली कैसे फॉर्म होते हैं, दे आर कॉज बाय वॉलेंट एक्सप्लोशन, मतलब अंदर से ये मैग्मा जो चेम्बर था यहाँ से होते होते वो बाहर निकला भड़ाम से, एकदम से इतनी जोर की फटा कि कभी कभार ऐसा भी होता है दिवजोत कि लावा जो बॉम्ब्स, लावा बॉम्ब्स होते हैं ना, हमारे एटमॉस्फियर को चीर कर बाहर निकल जाते हैं अर्थ से, पता है, इतनी जोर की कुछ कुछ वॉल्केनोज में, वॉल्केनिक माउंटेन्स में अर्थ के ऊपर ब्लास्ट होता है, पता है, कभी कभार वो लावा बॉम्ब जो कार्बन सूट के पार्टिकल्स होते हैं ना कशिश आशिमा, वो अर्थ के बाहर निकल जाते हैं वो कार्बन पार्टिकल्स। तब अगर ऐसे वॉल्केनो में कुछ हो तब कैल्डेरस बनते हैं। कैल्डेरस आर कॉज बाय वॉलेंट एक्सप्लोजन्स, जो कि जो टॉप होते हैं बड़े बड़े कोन के, उनको ब्लो अवे कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से भड़ाम करके फटा, जैसे एक तरीके से किसी चीज़ का ढक्कन फटा और वो उड़ गया पूरे का पूरा, ठीक है। वो फिर दोबारा वहाँ पर होता क्या उसके साथ, जैसे ये वॉल्केनिक माउंटेन है, यहाँ पर है आपका मैग्मा चेम्बर, ये आपका मैग्मा चेम्बर, यहाँ से आपका, मैं सिर्फ अभी क्रेटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपका ये बाहर निकला, निकल रहा है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, जब ये छोटा सा पार्ट है, मतलब मान लो ये ऐसा सा पार्ट है तब इसका नाम है क्रेटर, जब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है तब ये हो जाता है कैल्डेरा। कैल्डेरा बना कैसे, इस माउंटेन का मैं कैल्डेरा कैसे बनाऊंगा, ये यहाँ से आया अंदर ऊपर, ये तो बंद था ना पहले क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्केनो हुआ है, ये तो ये कुछ ऐसे था, ऐसे टॉप देख रहे हो, क्लोज है अभी इसका, दिख रहा है ना कशिश दिवजोत आशिमा, ये टॉप इसका क्लोज है, ये अंदर से आया और इतनी जोर की ब्लास्ट होता है एकदम से इसमें, ये यहां पर जाकर कि इसने कुल मिलाकर शेप कुछ ऐसी कर दी, शेप इसकी कुछ ऐसी कर दी, ये देख रहे हो पूरा एक बेसन टाइप बन गया यहां पर, अगर आप देखो ये बन जाता है कैल्डेरा। और ये जो छोटा सा पार्ट था इसका, अगर मैं इसको इरेज करूं, ये वाला जो छोटा सा पार्ट था, अगर ये टूटने के बाद कुछ ऐसे बनता है, सिर्फ ये, सिर्फ इतना सा, ये बन जाएगा क्रेटर, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये याद रखना कि ये दोबारा ना वो भी हो जाता है,
क्लोज भी हो जाता है, जैसे जब ये लावा आ गया अर्थ की सरफेस के, मतलब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस के बाहर आ गया, वो लावा बन गया, तो ये क्लोज भी हो जाता है। क्लोज होने के बाद वो दोबारा जम जाता है और उसके बाद क्या होता है कि फिर से वो जो ऊपर की जो वेंट होती है ना उसकी, वो क्लोज हो जाती है। बस समझ में आया वाला पूरा का पूरा स्टोरी? फिर से समझाऊँ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? ये दोबारा ना जैसे ऊपर ये जो ये वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये दोबारा ना ऐसे करके फिर ये जम जाता है, मतलब ब्राउन मतलब इन द सेंस कि मैंने इसको फिर से क्लोज कर दिया। ये कैसे क्लोज होता है? लावा बाहर आएगा तो पथरीला बन जाता ना कशिश, है ना? जब वो पथरी सूख गया, पथरीला बन गया तो वेंट क्लोज हो गई, यहीं से तो टपक रहा था, खत्म। प्लास्टिक पिघलते पिघलते जिस जगह से पिघल रही है, ढक्कन से बाहर निकल रहा है, कोई भी चीज़ है एक अंदर का प्लास्टिक के डब्बे से कोई भी चीज़ इरप्ट हो रही है, तो वो पिघलते पिघलते अगर विस्कस मोल्टन फॉर्म गाढ़ी फॉर्म में है तो वो जाम नहीं हो जाएगी जब वो ठंडा हो जाएगा, क्लोज नहीं हो जाएगा वो। बस